आजकल आईपीएल का जमाना है, स्टेडियम में बैठकर लोग खूब शोर मचाते हैं। लेकिन कभी किसी फिल्म को देखते वक्त आपने थिएटर को स्टेडियम में बदलते हुए देखा है? मैं बताऊं इसकी शुरुआत कहां से हुई। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना शोर एक्सपीरियंस किया था 22 साल पीछे, जब बड़ी स्क्रीन पे गदर रिलीज होती है। लिटरली लोग सनी देओल के एक्शन सीन्स को देखकर पगला गए थे। आपके विदेशी सुपर हीरोज उनके सामने छोटे छोटे बच्चे जैसे दिख रहे थे। तब किसी ने सोचा था आज 22 साल बाद एक बार फिर से फिल्म का पार्ट 2 बनाया जाएगा, और शायद हमें पता भी नहीं है कि हम फिल्म के रिलीज के कितना पास खड़े हैं। जी हाँ, 11 अगस्त 2023 को गदर फिल्म का सीक्वल गदर 2 रिलीज होने वाला है, और एक बार फिर से थिएटर्स स्टेडियम में बदल जाएंगे गारंटीड। लेकिन दिल छोटा मत करो आप, फिल्म की एक झलक पाने के लिए आपको अगस्त तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, मुश्किल से एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, और आपके सामने गुड न्यूज खुद चल के प्रकट होगी। एक्चुअली न्यूज रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही है कि ओरिजिनल गदर फिल्म को थोड़ा कलर वगैरह फिक्स करके साउंड बीजीएम को पावरफुल बना के 2002 वाली गदर को एक बार फिर से थिएटर में रिलीज किया जाएगा पब्लिक के लिए, वो भी सिर्फ 3 हफ्ते बाद 9 जून को। तो भाई गोल्डन चांस है उस इंसान के पास जिसने गदर को थिएटर में मिस करके सिर्फ टीवी पे देखा है। इस बार गलती से भी गलती मत करना, 9 जून याद रखो। बस यहाँ से फिल्म मेकर्स गदर 2 का माहौल बनाना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे फिल्म से रिलेटेड अपडेट्स पब्लिक के सामने आएंगे, जिसमें सबसे पहले गदर 2 का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया जा सकता है, जो मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट का होगा। लेकिन ये 1 मिनट ही काफी होगा मास सिनेमा में गदर 2 की एंट्री कराने के लिए, वो भी ऐसी कि शायद फिर कोई कभी भूल नहीं पाएगा। KGF, रॉकी भाई की सोने की दुनिया, पुष्पा भाव कभी झुकेगा नहीं साला वाला एटीट्यूड, अब ये दोनों को समझ आएगा असली गुंडा कौन है। बोला जा रहा है गदर 2 में ऐसे लेवल के एक्शन सीन्स को डाला गया है जो आज से पहले किसी ने ट्राई भी नहीं किए अपनी फिल्म इंडस्ट्री में। कुछ सीन्स भी लीक हुए थे शूटिंग सेट से, जिसमें सनी देओल का पावरफुल मासी अवतार साफ इशारा है फिल्म के अंदर कुछ बड़ा कांड होने वाला है। वैसे आपको पता है हर कोई गदर 2 बनाने के इस आइडिया से खुश नहीं है, कुछ लोग इसके ऑपोजिट में भी खड़े हैं। अरे गुस्सा हो गए भाई, और इनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई गदर 2 के मेकर्स के पास कोई कहानी है 22 साल बाद पब्लिक को बताने के लिए, या फिर सिर्फ अपने बेटे को रिलॉन्च करने के लिए फिल्म के मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट पे काम करने का फैसला किया है जिसमें सनी देओल का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर प्रमोशन। सवाल में दम है बॉस, ये बात आपको माननी पड़ेगी। इसीलिए 15 जून को जब गदर 2 का टीजर रिलीज किया जाएगा तो उसको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। हाँ, एक दिक्कत और है जिससे मुलाकात प्लस मुक्काला दोनों करना पड़ेगा अपने सनी देओल साहब को। अगस्त के महीने में बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है ना, और खुद इनके भाईजान बॉबी देओल की फिल्म एनिमल गदर 2 के साथ क्लैश करेगी। पहले तो कुछ लोग बोल रहे थे कि दोनों में से एक फिल्म अपनी रिलीज डेट बदल देगी, बात खत्म, मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम पहले गदर 2 के डायरेक्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि चाहे कोई भी फिल्म आ जाए हमारी रिलीज डेट नहीं बदली जाएगी। दूसरी तरफ एनिमल को बनाने वाले हैं डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, और इनका एटीट्यूड काफी मशहूर है आफ्टर कबीर सिंह। मुझे तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि अपनी फिल्म एनिमल को पीछे हटाएंगे किसी भी कीमत पे, ये हटने वालों में से है नहीं। अगर सच में इन दोनों मूवीज का क्लैश हो जाता है ना, तो फिल्म का तो पता नहीं लेकिन रियल लाइफ में थिएटर्स के अंदर बवाल हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए मेरे पास 2 बड़े बड़े सवाल हैं जिसका फैसला सिर्फ जनता जी कर सकती है। पहला तो 9 जून को गदर दोबारा थिएटर्स में आएगी तो देखने जाओगे एक्साइटेड और नॉट, या फिर आइडिया बकवास है 22 साल बाद कौन देखेगा। दूसरा, एनिमल वर्सेस गदर 2, आप कौन सी फिल्म का टिकट बुक करोगे 11 अगस्त को? अपना वोट नीचे डाल दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, साथ में रीजन भी जरूर बताना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।